नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी से निष्कासित राम गोपाल यादव की पार्टी में वापसी। बने रहेंगे महासचिव और संसदीय बोर्ड के सदस्य। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद पार्टी से किए गए थे बाहर। नोटबंदी पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। लोकसभा में आज कांग्रेस लाएगी कार्य स्थगन प्रस्ताव। सदन में सरकार पर हमला बोलेंगे राहुल गांधी। नोटबंदी के हफ्ते भर बाद भी नहीं सुधरे हालात। 9वें दिन भी कई जगहों पर रात से कतार में लगे लोग। दिल्ली में कतार में खड़े एक शख्स की मौत। नोटबंदी का बैंकिंग सेक्टर पर पड़ा असर। SBI एक्सिस बैंक ने बचत और लोन पर घटाई ब्याज दरें। एक्सिस बैंक की लोन ब्याज दर घटकर 9.05% हुई। दिल्ली NCR में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हरियाणा के रेवाड़ी में रहा केंद्र। रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। भारतीय मूल की निकी हेली बन सकती हैं अमेरिका की अगली विदेश मंत्री। दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर पद का कार्यभार संभाल चुकी हैं निकी। जल्द करेंगी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। और विशाखापट्टनम में भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम इंडिया। भारत की शुरुआत रही खराब। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।